हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन चैनल आर्ट्स विद आयशा। एंड अभी सो फार हमने राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल और डेक्कन एंड बंगाली स्कूल कंप्लीट कर लिया है, जो वो सब प्रिमिटिव सिलेबस थे उनसे कम ही आता है एग्ज़ाम्स में, और जो मॉडर्न पीरियड है उनसे ज़्यादा पेंटिंग्स आती हैं। तो अभी बस हमारी मॉडर्न पेंटिंग्स बची हुई है, ग्राफिक्स बचे हुए हैं और स्कल्पचर्स बचे हुए हैं। तो स्कल्पचर्स जो हैं वो छोटे छोटे, उनकी डिस्क्रिप्शन बहुत ही छोटी है। सो मैं सोच रही हूँ पहले हम स्कल्पचर स्टार्ट कर देते हैं और ये फिनिश कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं जस्ट मार्च में। सो अभी भी हमारे पास 2 मंथ्स हैं, लेकिन उससे पहले हमें सिलेबस कम्प्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्कल्पचर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट डिस्कस करेंगे, और जो सबसे पहला स्कल्पचर है उसका टाइटल है ट्रियम्फ ऑफ द लेबर। और ये स्कल्पचर मैंने देखा हुआ है रियल में, ये सिचुएटेड है एक्चुअली मरीना बीच पे। तो एक बार हम लोग चेन्नई गए थे घूमने वहाँ पे, तो तब मैंने इस स्कल्पचर के बारे में पढ़ा नहीं था, मैं 12th में ही थी। सो मैंने ये विटनेस किया था, और ये बहुत ही सुंदर स्कल्पचर है और बहुत ही बड़ा है, गिगेंटिक टाइप का। सो स्टार्ट करते हैं ये वाला स्कल्पचर। नेम ऑफ द स्कल्पचर इज ट्रियम्फ ऑफ द लेबर, मीन्स जो लेबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी खुशी, वो बहुत ही उत्साह में है। पेंटर हैं डीपी रॉय चौधरी या फिर देवी प्रसाद रॉय चौधरी। मीडियम इसके दो हैं, ब्रॉन्ज एंड सीमेंट, और मीडियम इज ब्रॉन्ज एंड सीमेंट, और इसी का एक डमी बना के रखा हुआ है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, जो सीमेंट से बना हुआ है। सिरका या फिर टाइम इज 1954 AD। पीरियड मॉडर्न में आता है ये। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक उसकी, आप वहाँ से प्रॉपर पढ़ सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो इस स्कल्पचर का ओरिजिनल फॉर्म है वो ब्रॉन्ज का और सीमेंट का बना हुआ है, जो सिचुएटेड है मद्रास, मीन्स नाउ डेज चेन्नई में। और इसके जो स्कल्पटर हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी, इन्होंने 1954 में बनाया था। आप ऊपर वाली चीज़ें ही डिस्क्राइब कर सकते हो पहले डिस्क्रिप्शन में। और इसका जो प्रोटोटाइप है, मीन्स इसका छोटा वर्जन, स्मॉल वर्जन, वो मेन गेट पे है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न हाउस, न्यू दिल्ली पे। सो स्टार्ट करते हैं, इसमें है क्या। इन दिस स्कल्पचर 4 लेबर्स आर शोन इन फॉर्म ऑफ विक्ट्री, हमें 4 लेबर्स दिखाए गए हैं जो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। द आउटस्टैंडिंग ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ द ग्रुप ऑफ लेबर्स वुड बी एवर अनपैरल्ड, मीन्स ये बिल्कुल अनपैरल्ड स्कल्पचर है, ऐसा स्कल्पचर आज तक बना नहीं है जिसकी बराबरी कर पाए। दिस इज unique in its own way. In this sculpture, 4 figures are engaged in task of moving a massive rock. एक massive rock है, और जो 4 workers हैं या फिर labors हैं, वो बिल्कुल passionately, dedicatedly उस rock को move करने की कोशिश में लगे हुए हैं। With the help of wooden logs, लकड़ी का जो वुडन लॉग है उससे वो उस रॉक को, मैसिव रॉक को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द बॉडीज ऑफ द वर्कर्स आर परफेक्टली एनाटॉमिकल, मीन्स बॉडीज की जो डिटेल हैं, सारे जो लेबर्स हैं वो मस्कुलर हैं, उनके मसल्स दिख रहे हैं। दे आर रिक्वायरिंग मैक्सिमम फिजिकल एफर्ट्स, उनकी जो एफर्ट है और जो एक्सप्रेशन है कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उस रॉक को मूव करने के लिए, वो उनके फेस पे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते। दे आर ड्रेस्ड इन अ लायन क्लोथ कवरिंग देयर हेड्स एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द हीट ऑफ द समर सन, उन्होंने अपने सर पे क्लोथ ऐसी कवर कर रखा अपने हेड को, जो उन्हें समर से हीट से प्रोटेक्ट करे। एंड दे आर वियरिंग लायन क्लोथ, और उन्होंने स्केंटली, मतलब थोड़े ही कपड़े पहन रखे हैं। द स्ट्रेनिंग सेमी न्यूड फिगर्स रिवील्स द मसल्स ऑफ देयर मैग्निफिशेंट बॉडीज,
उन्हें सेमी न्यूड फॉर्म में इसलिए दिखाया गया ताकि उनके मसल्स जो है मैग्निफिशेंट मसल्स और उनकी बॉडी अच्छे से विजिबल हो सके. द लेबर्स इन दिस कल्चर आर सिंबल ऑफ प्रोग्रेस इन मैन. जो इस कल्चर में हमें लेबर्स दिखाए गए वो सिंबल है प्रोग्रेस का, कि हमें बिना हार माने, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें बिना हार माने मतलब कंटिन्यूसली कोशिश करते रहना चाहिए. दिस कल्चर इज सिंबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मैन. दिस कल्चर हैज एक्सपर्ट इन मास्टरी फैशन द डिफिकल्ट रिवर्स मूवमेंट. इस कल्चर की जो सबसे स्पेशल बात है, जो इसको स्पेशल बनाती है, वो ये है कि देवी प्रसाद ने इसमें एक फैशन मास्टरी फैशन की है कि रिवर्स मूवमेंट को शो किया गया है. ऐसा लग रहा है उन्हें जितना फोर्स वो उस रॉक पे लगा रहे हैं उतना ही इक्वल फोर्स उन पे भी लग रहा है. उन्होंने फिजिक्स भी अप्लाई कर दिए इस स्कल्पचर में, विच इज़ अ यूनिक फीचर. जो हमारे देवी प्रसाद हैं उनका ये यूनिक फीचर है कि वो चीज़ों को कितना रियलिस्टिक वे में दिखा सकते हैं. और उनको इन्फ्लुएंस कहाँ से मिली थी, उनके एक गुरु थे या फिर टीचर आप कह सकते हैं, फ्रेंच मास्टर स्कल्पचर ऑगस्ट रेनी रॉडिन. अगर आप इनका नाम मेंशन करना चाहते हैं तो कर दीजिए, वरना आप ये भी लिख सकते हैं कि उन्हें जो देवी प्रसाद थे उन्हें ये स्कल्पचर बनाने की मोटिवेशन फ्रेंच मास्टर स्कल्पचर ऑगस्ट रेनी रॉडिन से मिली थी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस. सो गाइज, आई विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट स्कल्पचर वेरी सून. सो तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होप यू ऑल गेट 100 out of 100 इन योर एग्जाम्स.